इस वक्त की बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में मां बेटी और बेटे की खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार तीनों एक ही परिवार से थे, जिसकी गला रेत कर अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा निर्मम हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही बलिया बेलौन थाना की टीम और DSP प्रेमनाथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। DSP ने बताया कि घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है, साथ ही उन्हें कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। जिस वक्त यह घटना घटी, घर के पुरुष मुहर्रम का कलाबाजी देख रहे थे। कटिहार से सिटी हलचल के लिए गणेश झा की रिपोर्ट। ये घटना तो बहुत जघन्य अपराध है। इस घटना का जो हत्यारा है, उसको जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, और हम लोगों का मांग है उसे फांसी की सजा मिलना चाहिए। इस इलाके में इस तरह का घटना हम लोग कभी देखे नहीं। ये घटना तो असहनीय घटना है, निंदनीय सब घटना है। ऐसी घटना की हम लोग कभी अपेक्षा नहीं करते। इस इलाके में हमारा समाज में जिस तरह का घटना हो रहा है, समाज बहुत खराब होता जा रहा है, और यहाँ के समाज के लोगों को जगने की जरूरत है। कोई भी बाहरी आदमी और किसी एक गलत एक्टिविटी में अगर किसी को नजर आए, तो ग्रामीणों का यह दायित्व होता है कि तुरंत ग्रामीणों को खबर करना चाहिए। और यह घटना नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसका जो है अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्द सुराग मिल जाएगा और कातिल पकड़ा जाएगा। बहुत सारा एविडेंस कातिल जो है घटनास्थल पर छोड़ के गया है, उस एविडेंस से कातिल तक पहुंचने में बहुत आसानी मिलेगी। कितने बजे रात की घटना है ये? घटना 10:30 और 12:30 के बीच की घटना है, क्योंकि जो जिसका घटना हुआ है वो फिरोज भाई का, इसके अहलिया, उसका बच्चा और बच्ची का, बस वो 9:30-9 बजे वह बसिया करबला देखने गया था, और लगभग आया था वो 12:30 और 1 के बीच। अब उसके बाद तब पता चला, उससे पहले इस बीच में ही घटना हो गया था। उसमें उसकी बड़ी पत्नी जो बादलपुर की है, उसके मैके बादलपुर है, उसकी हत्या हुई है, उसकी बेटी की हुई है, उसका बेटा का हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए जो है प्रशासन अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम भेजा है। और हम लोग इस तरह का अपराध क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग से हमारा यही मांग है प्रशासन से, कि जितना जल्द हो कातिल गिरफ्तार हो और उसको फांसी की सजा मिले, और अगर परेशानी आए तो उसको जो है CBI भी जांच दे सकता है। जो भी फोरेंसिक जांच हो, CBI जांच हो, कुत्ता लाए, जिस तरह से भी जांच हो, वो हर तरह से जांच में, और जितना जल्द से जल्द अपराधी जो है पकड़ा जाए और उसको जो है फांसी की सजा, स्पीड ट्रायल चला के उसको फांसी की सजा दिलाएगा। क्या नाम? मोहम्मद मेराज आलम, मुख्य संघ अध्यक्ष। क्या जानकारी की तरफ से? ये आपको बेलौन सिंहपुर में, ये आपको फिरोज की पत्नी है, आपका सदव जरीन, जिसकी एक बच्ची, और बच्ची की उम्र 7 साल, और एक बच्चा है जिसका उम्र 5 साल है। यह घटना रात्रि करीब 10-1 बजे का है, जिसे सूचना मिला कि हत्या हुई है। इस पर CI थाना अध्यक्ष सफल मारी बलिया बलोन सबके साथ हम आए, घटनास्थल मुआयना किए, और घटनास्थल से जो मृतका है उसकी शरीर से मिट्टी तल का स्मेल आ रहा है, सिलाई भी है। पहले उसको जला के मारने का प्रयास किया गया है, और बचा लोग हैं, हो सकता है कि बचा लोग जग गया हो, जिसके वजह से मतलब कि तीनों का हत्या किया गया है। अभी पोस्टमार्टम में भेज दिए हैं और हर एक स्तर से जांच कर रहे हैं, जिसमें दोषी होगा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसमें जो हथियार किया गया, यूज किया गया था, उसको बरामद किया गया, घटनास्थल से हथियार भी बरामद किया गया है, और इसमें जितना जल्द होगा इसका हम लोग दंड करेंगे। The new era of style begins now. This is the boldly stylish Honda Elevate. Bookings open.
सीट अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे। द बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार, पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड भट्टा बाजार पूर्णिया। द बिग शॉप पूर्णिया, कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वेयर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ी, गाउन, किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड भट्टा बाजार पूर्णिया।